पूर्णिया के चंपानगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पोठिया रामपुर पंचायत के रामपुर गांव में जमीनी विवाद के कारण दो पक्षों में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और कभी भी यह मामला उग्र रूप धारण कर सकता है। दरअसल 8 एकड़ जमीन पर अलग अलग लोग अपना अपना मालिकाना हक पेश कर रहे हैं। एक पक्ष जमीन को अपने हिस्से का बता रहे हैं तो दूसरा पक्ष उसी जमीन पर खतियानी हक जता रहे हैं। मामला कई बार पंचायती में जाने के बावजूद भी नहीं सलट पाया, जिसके बाद पूर्णिया SDO कोर्ट ने दोनों पक्षों के तनाव को देखते हुए जमीन पर धारा 144 लगा दिया। इसके बावजूद भी दोनों पक्ष जमीन पर जाने से परहेज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण चंपानगर थाना पुलिस को सख्ती के साथ पेश आना पड़ा। इसके बाद दोनों पक्ष जमीन से हट गए। इस संदर्भ में पहला पक्ष मोहम्मद अजीज ने बताया कि दूसरा पक्ष काफी दबंग किस्म का है और उनकी दबंगई से तंग आकर जब उन्होंने कानून का सहारा लिया तो कानूनी आदेश को भी दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं है और धारा 144 लागू होने के बावजूद भी मक्के की फसल को काट कर ले गया और रोकने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मामला है कि जमीन पे 44 हो चुका है और ये लोग 44 होने के बावजूद भी ये लोग मक्का काट रहे हैं। कानून का पूरा उल्लंघन, हम लोग पूरे कानून पर सपोज कर दिए हैं कि कानून जो फैसला दे दे, कोर्ट जो फैसला दे दे, मेरे लोग मान नहीं रहा है, ना थाना को सुन रहा है ना कुछ सुन रहा है। कौन लोग नहीं मान रहा है? ये मोहम्मद अला बकस, खुदा बकस, करीम बकस और भी पार्टी है इसमें सारे। तो लोगों का क्या कहना है कि हमारा जमीन तुम्हारा नहीं, जमीन पर मक्का कौन लगाया है? वही लोग लगाया है। इसके बदले में हमें दूसरा जमीन दिया गया था लेकिन वो जमीन हमें जोतने नहीं दे रहा है। वो कह रहा है वो हमारा अपना है, ये हमारा अपना था, बदला था, पुराना जमाना का बदला था ये, अब ये लोग बदला को तोड़ रहा है। तो क्या कोर्ट इस पर 144 लागू कर दिया? हाँ, लागू कर दिया है, नोटिस है। कब लागू किया? 16 तारीख को। तो जब कोर्ट 144 लागू कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थाना आया था, अपना नोटिस बांट के गया, इन लोगों ने कोई माना ही नहीं, किसी का नहीं मान रहा है कोर्ट का नोटिस का। ये लोग बैलू नहीं दे रहे, कुछ नहीं। तो क्या सब किया आज? मक्का तोड़ लिया जन घुसा करके ले गया। पुलिस आई थी क्या? हाँ, पुलिस आई थी, उसका भी नहीं सुन रहा है ना कुछ। तो फिर देखते हैं, अभी तो मान गया है वो लोग, नहीं तोड़ रहा। अभी जन भागा ना, पुलिस को देख के भागा है, उसको देख के भागा, पुलिस को देख के चला गया। तो क्या वो लोग कुछ और कुछ बोल रहा है क्या? कह रहा पंचायत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, देखा जाएगा। धमकी वगैरह कुछ नहीं ना दे रहा? धमकी तो दिया था, वो जो प्लॉट पे आएगा मर्डर कर देंगे, मार देंगे, दोनों भाई को जो भी आएगा देख लेंगे, उसको यहीं गाड़ देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो कानून का सहारा चल रहे हैं, हम लोग कोर्ट के सहारा चल रहे हैं, कोर्ट जो फैसला दे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीज। ये कितना जमीन का मामला है? 8 एकड़। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों एवं पंचायत के सरपंच ने पहला पक्ष मोहम्मद अजीज के समर्थन में कहा कि इनके पक्ष में काफी सच्चाई है। आप कौन है? हम गाँव के हैं। क्या मामला है आपकी नज़र में? मामला ये है कि ये ज़मीन जो है इनका था, जिसमें हम लोग गांव का आदमी जो सुने कि बदले में दूसरा ज़मीन दिया था, उसके बाद उससे भी भगा दिया, ये भी ज़मीन से भगा दिया, जिसमें ये कोर्ट का सहारा लिया। पंचायत तो गांव में बहुत किया, पंच नहीं मानता, सब उसी का पेवर का है, दबंगगिरी दिखाता है, जिसमें ये कोर्ट में केस किए, जिससे इसको नोटिस हुआ, 107 भी चला, उसका भी तारीख कर रहे हैं। कल भी इसका नोटिस आया, नोटिस लेने के बाद वो लेबर भिड़ा दिए, उसको इसको मालूम हुआ तो वो आए, आने के बाद थानेदार भी आए, गांव का बहुत आदमी हम लोग देखे, सबके सामने में कहता है कि पार्टी को ला, उसको मार देंगे, यहीं पर गाड़ देंगे, कुछ नहीं चलेगा। जिसमें वो मोबिन का लड़का है, नहीं ये यासिन का लड़का है, और अला बकस, करीम बकस, खुदा बकस, सभी है, सभी है। ये ज़मीनी मामला है, पुराना मामला है, जो एक खानदान का ही खतियानी ज़मीन था, जो सब पैतृक से ही सब बांट के अपना अपना रह रहा था। तो कुछ आदमी बेच चुका था, तब फिर वो उसका बाप दादा बेच चुका था, तो उसका कहना था कि मेरा बाप बेचा है, वो ज़मीन मेरा नहीं था, तुम्हारा था, अब हमारा जहाँ है वहाँ दो। उसी में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो हम लोग पंचायत बैठ के इसका मामला को निपटारा करने का कोशिश किए थे। तो वो लोग समय लिया था कि हाँ हम कागज़ पत्र पेश करेंगे पंचायत में, लेकिन वो नहीं किया। तो लास्ट में दूसरा पक्ष जो कमज़ोर था, तो वो कानून का सहारा लिया, कोर्ट से 144 करके ज़मीन का कल नोटिस तामील वो लोग भी कर चुका था, प्रतिवादी, और वो लोग को मना किया गया कि आप फसल खेत पर नहीं जाना है। लेकिन सुबह में वो लोग अपना हलवे हथियार के साथ जाके फसल लूटपाट अपना जो भी है, 144 का नोटिस तामील करने के बाद भी वो अवहेलना करते हुए, तो मेरे नज़दीक जो वादी है जो कोर्ट में 144 किया वो आया,
कि हम लोग जाएंगे तो मारपीट करेगा, थोड़ा आप अपना संज्ञान में लीजिए। तो मैं अपना चौकीदार जो था चंदन पासवान उसको भेजा, जाओ जाके देखो क्या मामला है, अब उसको समझा दो। लेकिन उसको भी नहीं माना, उसको भी धमकी चमकी दिया। तब मैंने थाना फोन किया, चंपा नगर ओपी घनश्याम कुमार थाना अध्यक्ष है, तो वो प्रशासन को भेजा, जिसमें SHO GN सिंह और फोर्स लोग आए, तो लोग भाग गया खेत छोड़ के, और जो कि अभी कुछ फसल वहाँ पर रखा हुआ था। इस तरह से आप बता रहे हैं कि कोर्ट के आदेश का ये लोग क्या पूरी तरह से अवहेलना कर रहा है? जी जी, कोर्ट का कानून का अवहेलना कर रहा, कोर्ट का अवहेलना कर रहा, मतलब इसको किसी का खौफ नहीं है, सिर्फ अपना पावर और पैसा और आदमी का घमंड है, थोड़ा पावरफुल है नेता लोग, बड़ा बड़ा आदमी से टच में है, तो इसीलिए सोचता। आप सरपंच हैं, कैसे फैसला करेंगे इस तरह के मामले का? देखिए, ये कोर्ट का मामला है, हम फिर भी उन लोग को बोले कि आप लोग बैठ के आपस में बात कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, कोर्ट में जो भी जिसका हक शेयर है उसको वाजिब दे दीजिए, आज ना कल जो उसका कागज बोलता है, जिसका ज़मीन है उसका होगा ही। आप कितनों दबंगई कीजिएगा, कानून के आगे आपका दबंगई नहीं चलेगा, बड़ा बड़ा आदमी कानून के आगे नतमस्तक हो जाता है। इसलिए आप लोग सब एक ही जगह के रहने वाले हैं, ज़मीन के लिए लड़ाई मत कीजिए, आपस में बैठ के हम भी रहेंगे और आदमी रहेगा बैठ के, कागज पत्र मानने के लिए तैयार नहीं ना। अच्छा, वो ये कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उन लोग? ये जो ज़मीन बेचने वाला और ख़रीदार, इसके अलावा ये खुदा बकर साहब है, मतीन साहब है और सब हैं, नईम साहब है, कुछ लोग हैं और उसका बाई फोर्स कुछ उसका सिपाही लोग रखते हैं, वही लोग हैं। मेरे थ्रू बहुत बार उन लोग को कोशिश किया गया इस मामला को निपटाने का, क्योंकि खुद दोनों अपना आदमी है, तो हम नहीं चाहते हैं विवाद हो और न अपना नए भी रहे, और हमेशा हम पंचायत में अपना शांति व्यवस्था, जितना भी ज़मीनी विवाद होता है हम। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप पंचायती करने की कोशिश कर रहे हैं, जी दो साल से मामला थाना भी गया था, इसके बावजूद भी कानून में जाता है, कोर्ट से आदेश आता है और इसके कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा है, कानून का खौफ उसके अंदर नहीं है, नहीं पुलिस आती है तो उसके बाद किसी तरह से मामला साथ होता है। तो क्या अगर स्थिति ऐसे ही रही तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बात हो सकती थी, आज ही बहुत बड़ा बात हो सकती थी, अगर दूसरा पक्ष को हम नहीं रोकते कि तुम लोग मत जाओ, हम फोर्स भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं, क्या कि कानकोट जब तुम चला गया तो तुम मत जाओ, वो कोर्ट देखेगा, थाना देखेगा, अगर ये पक्ष जाता तो आज बहुत बड़ी बात हो जाती, इसलिए मैंने रोका कि देखो हम भेज रहे हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस संदर्भ में दूसरा पक्ष के अला बख्श एवं खुदा बख्श ने बताया कि वे कानून का पूरा सम्मान करते हैं और नोटिस मिलने से एक दिन पूर्व ही उन्होंने खुद का लगाया हुआ मक्का फसल कटवाया था, किंतु जैसे ही उन्हें SDO कोर्ट का नोटिस प्राप्त हुआ, वे कानून का सम्मान करते हुए जमीन से वापस चले आए और अब वे कोर्ट के जरिए ही न्याय लेंगे। अच्छा, क्या जमीनी विवाद है और कहा जा रहा है कि आप कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं? नहीं, हम लोग अवहेलना किए कहाँ हैं, मकई का आज 3 दिन से कट रहा है, नोटिस आज मिला है, अब तारीख है, तारीख के रोज केवल अपना दाखिल करेंगे। नोटिस आज मिला, तो नोटिस मिलने के बाद आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो जानकारी मिली कि पुलिस आई, उसके बाद भी आप लोग मकई तोड़ रहे थे, नहीं तो क्या सच्चाई? ऐसा कोई बात नहीं, पुलिस आने के बाद आप लोग छोड़ दिए? हाँ, मकई तो दो रोज पहले काट चुके हैं। नोटिस कौन दिया करके अल्लाह करके आपको? पुलिस, चौकीदार। चौकीदार दिया, तो किस तारीख को दिया आपको? आज का डेट में, आज कितनी तारीख है? 17 को दिया। अच्छा, ये वो जो आरोप लगा रहा है कि नहीं पहले नोटिस दिया गया, आदेश नहीं माना, और सरासर गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो सर, क्या ये जो जमीनी विवाद है, ये आप लोग आपसी समझौते के जरिए इसको सुलझाने में का इंटरेस्टेड है या फिर क्या कानूनी प्रक्रिया से ही गुजरना चाह रहे हैं? हाँ, मैं खरीदार से जो लिए हैं, खरीदार वो लोग अपना आज पंचायत का बात क्या है, वो लोग अपना सलटेगा, हम तो ऑलरेडी केवला लिए हैं, आज नहीं लिए, 30 साल से केवल आया मेरे पास। आरोप लग रहा है कि आप लोग कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से अवहेलना करते हैं, किसी ऐसा, बात ऐसा, को नहीं मान रहे हैं। ऐसा कोई बात है क्या अवहेलना करेंगे हम लोग को? आज नोटिस मिला है, अब तारीख में हम लोग केवल हाजिर होंगे, केवल लेके हम लोग खरीददार हैं, कोई उसका फरीक नहीं है, हम लोग जो खरीदा है, जिसे खरीदे हैं वो अभी जिंदा है। अच्छा, ये कभी कहा जा रहा है कि आप लोग धमकी देते हैं? ना, ऐसा हो, ऐसा हम लोग हैं, यहाँ का समाज से पूछ लिया जाए। तो कोई आदमी है जो लड़ाना चाह रहा है आप लोगों के? लड़ाना का चाह रहा है, वही से उसी का फर्क है, जो आप आपको बयान देता है कि सब गलत है, वही सब गलत है पहले से ही, दागी सब है वो सब।
बहरहाल दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, किंतु मामले की सच्चाई का सही पता न्यायालय के फैसले के बाद ही चल सकेगा। किंतु इस बीच जमीन पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस को चौकस रहने की आवश्यकता है, अन्यथा विवाद किसी भी समय बड़ा रूप धारण कर सकता है।